हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिन के बाद मेरा वीडियो जा रहा है अलंकृता परिधान पे। तो मैं आप लोगों को जो मेन बनाने का कारण है वो दिखा रही हूँ कि क्या है। ये जाने वाला है पैक वगैरह। ये देखिए, एक ये साड़ी से नायरा स्टाइल कुर्ती बनी है। बहुत ही ये बहुत हैवी साइज है, देख के पता चल रहा होगा बहुत हैवी साइज ये साड़ी से बनी हुई कुर्ती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुई है। इसमें ये लेस लगाई गई है और स्लीव्स में भी लेस लगी है। पीछे छोटा ही गला दिया गया है कुर्ती स्टाइल, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की गई है आगे, क्योंकि ये थोड़ी हैवी भी हैं और एज भी इनकी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लड़कियों वाला लुक देने में मज़ा नहीं आएगा इस कुर्ती को। उसी हिसाब से ये तैयार की गई है। देखिए, पहनने का सबको मन करता है हर स्टाइल का, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी पसंद का मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए। बड़े बड़े शहरों में हो सकता है मिल जाए, मॉल वगैरह में, लेकिन हर जगह ये अवेलेबल नहीं है। तो ये साड़ी से बनी हुई कुर्ती है, साड़ी का भी यूज़ हो गया और वो अपनी मनपसंद की ड्रेस पहन भी पाएंगी। तो मेन कारण अभी का कुर्ती बनाने का और यही मेन कारण है, मतलब वीडियो बनाने का, मैंने कहा कुर्ती बनाने का, वीडियो बनाने का मेन कारण यही है कि आप लोगों को दिखा दूँ कि अगर आप लोगों के पास साड़ी हो इस तरीके की, तो गाउन वगैरह तो बहुत कॉमन हो गया है अब, इस तरीके की कुर्तियाँ ज़्यादा बन रही हैं। एक बनारसी सूट में बनी हुई है, वो कुर्ता बना हुआ था ग्रीन और येलो में, है ना दीदी, ग्रीन येलो था ना बनारसी, उसमें बना है। उसके मैंने शॉर्ट में वीडियो तो गया है, लेकिन मैं पूरा दिखा नहीं पाई उसको बन के वो कैसा तैयार हुआ, लेकिन बन के भी बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है। तो ये बहुत हैवी साइज में नायरा स्टाइल कुर्ती ये बन के तैयार हुई है। और आज बनाएंगे सूट लेंथ, जो सूट मिलता है, सूट और शलवार जो एक साथ आता है कपड़ा आपका जो नॉर्मल, उससे एक फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। वो भी मैं दिखाऊंगी कि वो कैसी बन के आई, और अगर मुझे लगा कि मैं कटिंग करते समय उसकी डिटेल कटिंग दे पाऊँ तो वो भी दूंगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो लेट से मिली जाती है उसके लिए सॉरी, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बाय।